बात करें इतिहास के सबसे बेहतरीन तीरंदाजों की तो किसका नाम सामने आता है? ऑब्वियस सी बात है यार, अर्जुन। लेकिन क्या एकलव्य का नाम कभी सुना है? नहीं सुना। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि एकलव्य अर्जुन से कहीं गुना बेहतर थे। पर इतिहास में एक रस्म चली आ रही है, राजा का बेटा राजा बनता है, इसीलिए अर्जुन एक राजा के पुत्र होने की वजह से बेनिफिट्स को इतने सालों से लेते आ रहे हैं और ये हमारे पुराणों ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। पर एकलव्य, उसकी क्या गलती थी कि अर्जुन से उसकी प्रतिभा आगे ना निकल जाए, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा ही कटवा दिया जिससे वो तीरंदाजी करता था। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नमोकार सिनेमा पर। आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाली हूँ उसका नाम है सुपर 30, डायरेक्टेड बाय विकास बहल, जिसमें स्टार कास्ट हैं। लीड स्टार कास्ट की बात करूँ तो ऋतिक रोशन एंड मृणाल ठाकुर। दोस्तों, इनके साथ भी बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं जिनमें पंकज त्रिपाठी आप जानते हैं, जाने माने एक्टर हैं। सुपर 30 एक महान मैथमेटिशियन की कहानी है जिनका नाम आनंद कुमार है, जो कि 1996 में शिक्षा मंत्री द्वारा अवार्डेड हैं। रामानुजन अवार्ड उनको प्रोवाइड किया गया था। तो दोस्तों, उनके जीवन के बारे में ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। बिहार में पैदा हुआ ये टीचर, इसके अंदर एक अलग ही अलख है, कुछ करने के लिए एक जज्बा है, फोकस्ड है ये इंसान और इसका विजन एकदम क्लियर है कि मुझे जीवन में क्या करना है, कैसे करना है। लाइफ में एक एज में जो सिचुएशंस आती हैं, प्यार मोहब्बत और बहुत सारी चीज़ें, जीवन की परिस्थितियां, उन सभी को फेस करते हुए कि मतलब ऐसा नहीं है कि किसी में खोकर अपने विजन को भूल गए, एक ऐसे इंसान की इंस्पिरेशनल फिल्म है ये। एक ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट और टीचर की कहानी है जिसके क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं उन सभी को उनकी मंजिलों तक पहुँचाने का उस टीचर में हौसला है। एक ऐसा बच्चा जो बहुत ब्रिलियंट है, परिवार भी उसको बहुत अच्छी तरह से समझता है, या फिल्म के पहले सीन से ही समझ जाएंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बावजूद उसकी लाइफ में कितनी सारी हर्डल्स हैं, पर उन परिस्थितियों से कैसे कॉप अप करना है ये उसका मैथ्स उसे बार बार पाथ प्रोवाइड करते हुए बताता रहता है। जिसको जीवन में जो अचीव करना है वो करना है, चाहे जिंदगी उसे कैसी भी परिस्थिति दे। ऐसे टीचर इसके जहान में सिर्फ उसके रिसर्चेस, उसके मैथ्स के फॉर्मूलाज एंड उसकी स्टडीज है, जिसको अपनी गर्लफ्रेंड के थिरकने में भी उसके कदम गिनने से मैथ्स के फॉर्मूला अप्लाई करने में इतना मजा आता है, जिसे खेल के मैदान में भी गणित नजर आता है, पंखे के चलने में भी उसे मैथ्स के फॉर्मूलाज अप्लाई करने का मन करता है, जिसे पेन उठाने में बिल्कुल मजा नहीं आता क्योंकि उसका दिमाग ऑटोमेटिक एक सामने कंप्यूटर स्क्रीन क्रिएट कर देता है जिसमें फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होते हैं, और वो एक ऐसा स्टूडेंट के साथ साथ ऐसा टीचर भी बन जाता है कि जो अपने स्टूडेंट्स को यही टैक्टिक्स सिखाते हुए इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स यानी IIT में एडमिशन करवाने का हौसला भी देता है, जिसको पता है कि हवा अगर चल रही है तो उसको भी गणित के सवालों में किस तरह से ढाला जाए और उनके जवाब कैसे बनाया जाए, मतलब उसका 1 to all यार मैथ से घिरा हुआ है। आप समझ सकते हैं जिसकी जिंदगी में सिर्फ गणित बसता हो, क्या वो इंसान अपने हौसलों की उड़ानें नहीं भर पाएगा? बिल्कुल भर पाएगा, ये फिल्म देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। दोस्तों, खुद किसी मंजिल पर पहुंचना और उस रास्ते को पार करना अपने आप में एक जज्बे वाली बात है, लेकिन उससे बड़ा हौसला तब होता है कि जब हम अपने साथ जिनको हमने पंख दिए हैं, जिनको सपने दिए हैं, उनको भी उड़ाने भरने के लिए विवश करें और कहीं ना कहीं उनको मंजिल तक पहुंचाने में पूरा सहयोग दें। यही इस फिल्म से आपको देखने को मिलेगा कि एक पर्सन जिसके पास ना कोई साधन है, यहाँ तक कि खाने तक के लिए उस इंसान के पास, कहते हैं बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए भी सोर्सेज नहीं है, वो भी कैसे पंखों को परवाज देता है। ऐसी फिल्मों में आपको पता है कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव दिखाने के लिए नहीं, बस ये दिखाया जाता है कि एक एक्टर जो उस रोल को निभा रहा है उसमें उसका पर्सनल किरदार हावी ना हो और वो उसी किरदार में जीता रहे, जो कि ऋतिक रोशन ने बेहतरीन तरीके से निभाया है। तो ऋतिक रोशन दूर दूर तक ऋतिक रोशन नहीं है, उनका किरदार आपको एक सेकंड के लिए भी पर्दे पर नजर नहीं आता, सिर्फ ऋतिक रोशन आनंद कुमार की भूमिका में है। इससे साफ झलकता है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है। इनके साथ में उनके फादर का किरदार भी बहुत
बहुत अच्छा है जो ढल गए हैं और एक्चुअल में महसूस हो रहा है आपको देखने पर कि ये वास्तव में इनके पापा हैं। बच्चों ने भी अपना उसी तरह से किरदार निभाया जैसे उनको निभाना था और साथ में ही आपको पंकज त्रिपाठी का रोल भी बहुत अच्छा लगेगा। मृणाल ठाकुर को बहुत ज़्यादा स्क्रीन प्रोवाइड नहीं की गई, उनके हल्के फुल्के रोल्स थे, उनकी पहली फिल्म है, ये न्यू कमर है वो एक तरह से, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जितना सफिशियंट रोल था उन्होंने उसी तरह से उसको निभाया। बहुत कुछ करने के लिए उनके लिए फिल्म में था भी नहीं। बाकी अदर जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स थे सभी ने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया है, तो मतलब एक्टिंग में कह नहीं सकते कि किसी की तरफ से भी कोई चूक रही है। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं विकास बहल के डायरेक्शन की, तो डायरेक्टर ने फिल्म को जिंदा कर दिया। कहते हैं डायरेक्टर है फिल्म में जीवन भी डाल देता है और कहीं ना कहीं उसकी जान भी छीन लेता है। एक्टर का तो रोल है ही, लेकिन डायरेक्टर ने किस तरह से सीन्स को क्रिएट किया है और कैसे पूरे अपने टीम को गाइड किया है ये आपको फिल्म के एक एक सीन के साथ पता चलेगा कि जैसी स्क्रिप्ट की नीड थी डायरेक्टर ने उसी तरह से गाइडेंस देते हुए फिल्म को बनाया। कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फिल्म में इंफीरियरिटी की नीड थी और डायरेक्टर ने बहुत सुपीरियरिटी शो की हो या कहीं बहुत ज़्यादा सुपीरियर की जगह इंफीरियर शो किया हो। और जिस टाइम पीरियड पर ये फिल्म बेस्ड है वैसे ही कॉस्ट्यूम्स, वैसा ही, एक तो स्पीच की मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगी कि ऋतिक रोशन और अदर स्टार्स ने भी स्पीच को उसी तरह से फॉलो किया है। जैसे कि आनंद कुमार बिहार से कंसर्न थे तो उनकी एक तरह से बात में, उनकी बोली में कहीं ना कहीं मैथिली और कहीं ना कहीं भोजपुरी जो झलकनी चाहिए थी वो दोनों चीज़ें प्रॉपर डाली गई है। ऐसा नहीं है कि डायलॉग्स में कंप्लीट हिंदी टच आ रहा हो। लास्ट तक फिल्म ने वैसा ही फील करवाया जिस टाइम पीरियड और जिस जगह पर वो पर्सन बेस्ड है वैसा ही आपको महसूस होता रहेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें म्यूजिक की तो म्यूजिक के तौर पर यार एक दो गाने हैं और जो गाने हैं वो जोग्राफिया सॉन्ग आपको पता है फिल्म के आने से पहले ही बहुत ज्यादा हिट हो चुका है, वो दर्शकों के दिल में वैसे ही बस चुका है, उसकी मुझे लगता नहीं है उसके बारे में कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। स्क्रिप्ट की नीड के अकॉर्डिंग कैजुअल सॉन्ग भी था फिल्म में, मुझे लगता है कि वो इंस्पिरेशनल सॉन्ग के तौर पर डाला गया है, वो उस टाइप का सॉन्ग नहीं है जो डीजे पर चल सके या और कहीं चल सके, लेकिन आप उससे भरपूर मोटिवेशन जरूर ले सकेंगे। गाइस इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एडिटिंग की तो एडिटिंग शार्प की गई है, मतलब कोई सीन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फिल्म को लेंथी करने के लिए क्रिएट किया गया है। जैसे कि एक सीन में आपको डिस्कस करके बताती हूँ कि आनंद कुमार के फादर की डेथ के बाद उनका फ्यूनरल वगैरह कुछ नहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया। फिल्म देखने के बाद मुझे लगता है कि हर इंसान जिसके जीवन में कुछ सपने हैं और उसको लगता है कि उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ रास्ता बनाने की ज़रूरत है तो वो इजीली अपने रास्ते को बना सकता है। इसके साथ ही जिनका विजन क्लियर नहीं है वो भी कहीं ना कहीं फोकस्ड हो सकते हैं। जीवन में एक रास्ता कहते हैं, जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आँख नज़र आती थी, इसी तरह से आपको भी अपने जीवन में अगर कुछ इंस्पिरेशनल कुछ करना है या एक मुकाम खड़ा करना है या एक एग्जाम्पल सेट करना है जैसे कि आनंद कुमार ने किया बिना किसी रिसोर्सेज के, जिनकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स होने के बावजूद भी सारी सिचुएशंस को कॉपअप किया, तो आप भी इस फिल्म को देखने के बाद अपनी मंजिलों को पा सकते हैं। मुझे लगता है फिल्म को रेटिंग देनी चाहिए कम से कम 4.5 स्टार, इतनी बेहतरीन फिल्म है कि आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या किसी भी फील्ड में एंगेज्ड हैं आप, तो आपको ये फिल्म अपनी मंजिल पाने के लिए ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने देख ली है तो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और अभी तक नहीं देखी है तो ये मेंशन कीजिए कि कब देखने जा रहे हैं। ऐसे फिल्म अपने पूरे परिवार को भी दिखानी चाहिए और अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए। गाइज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, ऐसे ही लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए लेटेस्ट मूवीज, वेब सीरीज एंड ट्रेलर्स के रिव्यू। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।